हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। चलिए देखते हैं मेरे गांव को। मेरे घर से थोड़ा ही से दूर में एक गांव है। अब ले चलते हैं आपको नहर की तरफ। वहां पे एक बस लगी रहती है। वैसे तो वहां पे दो बस लगी रहती है, एक पूर्णिया के लिए जाती है, एक इधर सहरसा के लिए जाती है। इधर से हम लोग को बहुत कम समय में पहुँचा देता है सहरसा की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, नहीं पता चलता। देखिए यहाँ बस नहीं 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ मेरा जो गांव है बस नहीं है, यहाँ से 0 किलोमीटर है इधर की ओर। इधर से जाती है, आप लोग को दिखा दे रहा होगा गाइस। वहाँ देखिए एक बस खड़ी हुई है। यहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर वहाँ ले चलते हैं आपको। यहाँ देखिए, चलिए अब दिखाते हैं वहाँ पे जाके। देखिए ये गांव है, यहाँ से इधर से जाती है धार की ओर। एक धार है हम लोगों के गांव में, जो कि कभी कभी पानी आता है, जो कि बाढ़ सब के समय में आया था। इधर तो बीच में कभी आईवे नहीं किया है। हाँ, ये से इधर से मोरवा आता है। यहाँ से गोलपरा मधेपुरा के लिए भी हो जा सकते हैं गाइस। देखिए अब यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ से टेम्पू उम्पी मिलती है गोलपरा के लिए। यहाँ से गोलपरा बाज़ार जा सकते हैं, कुछ परचेज करना हो तो आइएगा। देखिए यहाँ बस धीरज खड़ी है। ये सहरसा डायरेक्ट जाती है। ये बस का जो टाइमिंग है गाइस, ये सुबह 7 बजे से लेके उधर से लौटती है 3 बजे। 3 बजे लौटती है, कुछ सवारी उवारी रहता है, उधर से लौट जाती है। फिर हम लोगों का जो है, फिर यहाँ से सुबह रोज खुलती है। हाँ, ये है मेरा गांव का कमख्या बस पूर्णिया के लिए जा सकता हूँ। ये देखिए धीरज हैं के लिए और चल चुकी, चल गई अब सर। आज की ब्लॉग में इतना ही। ये मेरा छोटा भाई है, आप लोग को नहीं बताना चाहा था। कुछ सपोर्ट करना गाइस। वैसे मेरा भी चैनल है कुमार नवीन ब्लॉग के नाम से, तो उस पर भी आप लोग प्यार बरसाइए। आज की ब्लॉग में बस इतना ही।